आपने पिछले बार क्या सीखा? याकूब को बेतेल में आशीष मिल। ए अर्पण दीदी सुन रही है, ओके। और कोई? ओके बेटा, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि अच्छा आप मुझे ये बताओ कि आप कब दुखी होते हो? ऐसा कभी कोई टाइम आया तब जब आप बहुत सैड थे, जब आपको बहुत बुरा लग रहा था? अगर है तो वो क्या है, कब ऐसा लगा आपको कि अरे यार आज तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है? कभी सैड नहीं होते? अच्छा, जो कौन कौन आज तक कभी कभी सैड हुए हैं, किस किस को कभी बुरा लगा है? ओह, इवन अर्पण, ओके ओके ओके। अच्छा तो वेदांशी आप मुझे बताओ आपको कब बुरा लगा? जब कोई मुझे चिढ़ाता है तब। ओह, जब कोई आपको चिढ़ाता है तब। शारा आपको? दीदी जब मेरे मुझे कोई मारता है तब बुरा। कोई जब आपको मारता है, वेरी गुड, ऑनेस्ट आंसर, ओके। अर्पण, इफ समवन इरिटेट्स मी और इफ समथिंग्स डोंट गो माय वे। Oh, when some things don't go your way. Okay, अच्छा, Samuel, Arpit और Inosh? जब मेरी बॉल खो गई थी तब उदास था, और जब कुछ ठीक थी। कौन से कलर की बॉल थी आपकी? पिंक। वाओ, अरे रे। और Samuel, Arpit, आप? बोलना है आपको, आप कभी दुखी नहीं हुए थे क्या? ओके, अनंत स्तुति सृष्टि, हाँ बोलो। जब मेरा भाई मुझे परेशान करता है। जब आपका भाई परेशान करता है, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। और अनंत स्तुति सृष्टि आपको कुछ बोलना है? नो दीदी। कभी आप सैड नहीं हुए, कभी आप दुखी नहीं हुए क्या? नो दीदी। ओके ओके, नाइस नाइस नाइस। अच्छा बच्चो, तो मैं आज आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं आपको ये एक्चुअली बताना चाहती हूँ कि कोई एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने लाइफ में बहुत दुखी हो गया था, और आज हम यही स्टोरी देखने वाले हैं कि वो करता क्या है जब वो दुखी हो जाता है। तो बच्चों, आज ये कहानी है हमारी उत्पत्ति, उसका 35 चैप्टर 16 से लेके 29 तक, ओके ओके। और इसमें हम लोग देखते हैं कि याकूब अपने पिता को देखता है, मतलब वो अपने पिता से मिलता है, बहुत दिनों बाद वो अपने पिता से मिलता है। तो बच्चों, हमने जैसे पिछले बार देखा था कि बच्चों, अच्छा रहेगा अगर आप वीडियो ऑन करो, क्योंकि जैसे मैंने आपसे बोला ना, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ, ओके। अच्छा, तो हमने देखा कि याकूब जो है वो एक ऐसी जगह पे जाके फंस गया था, मतलब जहां पे बहुत बुरे लोग रहते थे, उस जगह का नाम क्या है? बेतेल से पहले वो उस जगह पर था, इस जगह पे दीना। हाँ हाँ, ये जो बेतेल के नीचे है वो? नहीं 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 नहीं, इसमें नहीं लिखा है वो, इसमें नहीं लिखा है। अरे वो जगह जहां पर दीना को सताया गया था, ओके, उसका नाम है शकेम। तो शकेम से जब मतलब याकूब को समझ में आता कि अरे ये तो बहुत मतलब बुरी जगह है, और मतलब वहां पे दीना को खराब किया जाता है, और फिर उसके बाद दीना के भाई वहां के लोगों को मार डालते हैं, फिर उसके बाद परमेश्वर क्या बोलते हैं याकूब से, कहां जाने को कहते हैं? एक जगह पर, बेतेल, है ना। परमेश्वर कहते हैं कि बेतेल में जाओ, और परमेश्वर पहले से यही बोलते आ रहे हैं ना कि आप बेतेल में जाओ। पिछले बार अर्पण दीदी ने हमें यही बताया था ना, है ना। तो अभी हम देखते हैं कि याकूब कहाँ है, याकूब बेतेल में है, याकूब कहाँ है, बेतेल में है। और हम लोग ये देखते हैं कि बेतेल के बाद वो कहाँ जाता है, वो वहां से मतलब यात्रा होके जा रहा है अपने पापा के पास, अपने पिताजी के पास। और उसके पिताजी कहाँ रहते हैं? मामरे। क्या नाम है वो? मामरे। और फिर वहां पर वो एक जगह पर आते हैं, मतलब वो ऊपर से देखो नीचे आ रहे, जैसे आपको मैप में दिख रहा है ना, वो यहाँ ऊपर से मतलब नीचे आ रहे हैं।
ये देखो बच्चों, ये बेतेल से मतलब यहाँ नीचे आना चाहते हैं और वो एक जगह पर रुकते हैं, उसका नाम है एफ्राता। क्या नाम है उसका? एफ्राता। एफ्राता हाँ हाँ। तो बच्चों, तो वो एफ्राता में क्या करते क्या है कि वो लोग वहां पर आ जाते हैं और वहां पे पता है क्या होता है कि रेचल जो राहेल है उसके पेट में एक बच्चा होता है और उसका टाइम पास आता है कि वो अपने बच्चे को अपने पेट से बाहर निकाले, तो उस बच्चे का डिलीवरी का टाइम आ जाता है। और बच्चों आपको पता है जब भी बच्चे पैदा होते हैं ना उस टाइम पे मम्मी को बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है। तो अब मतलब रेचल की भी मतलब राहेल की भी यही हालत है क्योंकि उसको बहुत बड़ी पीड़ा हो रही है और उस पीड़ा में पता है इस जमाने में बच्चों आपको पता है बच्चे कहाँ पैदा होते हैं? हॉस्पिटल में ना। मम्मी कहाँ जाती है? हॉस्पिटल जाती है। जब उनका बेटा उनके उनके बच्चा उनका बच्चा जब उनके पेट में रहता है तो मम्मी कहाँ जाती है? हॉस्पिटल में जाती है ना। तो बट उस जमाने में तो हॉस्पिटल नहीं थे, तो आपको क्या लगता है बच्चों उस जमाने में वो लोग क्या करते थे, उन लोग बच्चे कैसे पैदा करते थे? वो लोग उस टाइम पे उनके उनके पास एक एक औरत रहती थी जो ये काम जानती थी, उनको कहते हैं दाई। क्या कहते हैं शामिल? क्या कहते हैं उनको? दाई। अब बोलो, नहीं बोलना है दीदी, दाई। वेरी गुड। अच्छा, तो जो राहेल की जो दाई थी वो जब राहेल बहुत मतलब बहुत पीड़ा में थी, उसको बहुत दर्द हो रहा था, तो तब उसकी दाई कहती है कि मत डर। क्यों? क्योंकि अब तेरा ये वाला जो बेटा है वो भी तेरा हो जाएगा, मतलब तू तो अपने बेटे को जन्म दे देगी, तो बिल्कुल चिंता मत करना और तेरा बेटा बाहर आ जाएगा, बहुत अच्छे से बाहर आ जाएगा। ऐसे कहती, कौन कहती है? रेचल की दाई। वो हम लोग ऐसे कह सकते हैं इस जमाने में जैसे कि नर्स, जैसे नर्स होती है ना वो, बस वो ऐसी औरत है जो इस काम को जानती है। पर आपको पता है बच्चों क्या हो रहा था? एक्चुअली रेचल के जो प्राण थे वो जा रहे थे, मतलब राहेल जो थी वो मर रही थी, उनके मृत्यु हो गई। और जब उनके मृत्यु हो गई तो बहुत बुरा लगने लगा। देखो बच्चों, इनके आसपास सब रो रहे हैं ना, यहाँ पे कोई हंस रहा है क्या पिक्चर में? कोई नहीं हंस रहा है ना, सब कितने दुखी है ना, कितना रो रहे हैं। बच्चा ऐसे ही होता है ना जब हमारे साथ भी बुरा होता है। मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था ना, क्या क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने? क्या सैड कब होते? हाँ, कि अब सैड कब होता है? और हम लोग पिक्चर में ये देख सकते हैं ना कि यहाँ पे तो सभी सैड है। क्यों? क्योंकि राहेल की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो वो लोग याकूब क्या करता है कि जब उसने देखा कि मतलब राहेल के प्राण निकल रहे हैं, तो वो वहां पे क्या कर वो मरते समय राहेल क्या करती है? अपने बेटे का नाम रखती है। किस बेटे का नाम? उस बेटे का नाम जिसने जिसको उसने जन्म दिया, उस बेटे का नाम पता है क्या रखती है? बेनोनी। क्या नाम रखती है उनका? वेरी गुड वेदांशी। और बोलो, बेनोनी। बेनोनी हाँ, उनका नाम क्या रखती है? बेनोनी। बच्चों आपको पता है बेनोनी का मतलब क्या है? आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे लिखा है, बेनोनी का मतलब होता है मेरे दुख का बेटा, मतलब बहुत बुरा नाम है। पता है बच्चों, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं ना, जब हम लोग बहुत सैड होते हैं, जब हमारा मूड अच्छा नहीं होता है और मतलब जब हमें कुछ काम दिया जाता है तब मन करता है काम करने का? बिल्कुल मन नहीं करता ना। जैसे शारा ने बोला कि उसे बहुत बुरा लगता है किसी ने उसको मार दिया। अगर शारा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ बेटा, अगर आपको किसी ने मार दिया और फिर कोई आपसे बोलता है कि जाओ मेरे लिए ये काम करके आओ, तो आपका मन करेगा वो काम करने का? नहीं, नहीं करेगा ना। हाँ, हम लोग सैड हो जाते हैं ना। हाँ, तो ओके अर्पण, आप भी कुछ बोलना चाहते हो? बोलो। ओके फाइन। तो उन्होंने बिकॉज उनको बस एक नाम रखना था अपने पीड़ा में, उन्होंने अपने बेटे का नाम पता है क्या रखा? बेनोनी। बट बच्चों आपको पता है इसके बाद क्या होता है? अब याकूब आता है और वो बोलता है मेरे बेटे का नाम बेनोनी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब बहुत बैड है, मतलब ये अच्छा मतलब नहीं है इस वर्ड का। तो उन्होंने उसका नाम बेनोनी नहीं, क्या रखा? बेन्यामीन। क्या रखा उसका नाम? बेन्यामीन। बेन्यामीन का मतलब पता है बच्चों को क्या होता है? बेन्यामीन का मतलब होता है मेरे दाहिने हाथ का पुत्र। क्या? मेरे दाहिने हाथ का पुत्र।
तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आपको पता है, आपको याद है जो याकूब है ना, वो रेचल से बहुत, राहेल से बहुत प्यार करता था, इतना प्यार करता था बच्चों आपको पता है, उससे शादी करने के लिए उसने 7 साल की मजदूरी की, 7 साल राहेल के पिता के लिए उन्होंने काम किया। और पता है राहेल के पिता ने उनको काम काम में उनको कुछ सैलरी नहीं दी है ना, उनको पता है बस क्या बोला था कि 7 साल अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें राहेल को तुम्हारी पत्नी की तरह दे दूंगा शादी होने के लिए। तो इतनी मेहनत की, क्यों पता है? क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करते थे। अब यहाँ याकूब की परिस्थिति देखते हैं बच्चों, आपने जो बोला है ना कि मैं इस टाइम पे सैड होता हूँ, मैं इस टाइम पे सैड होता हूँ, हम लोग देखते हैं कि याकूब तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सैड होना चाहिए, क्योंकि वो तो सबसे ज्यादा राहेल से प्यार करता था और वो ही वहां पे मर गई। पर बच्चों पता है आपको, वो फिर भी उस टाइम पे करेक्ट काम कर रहा है, वो एकदम सही काम कर रहा है, वो अपने बेटे का एकदम सही नाम रख रहा है कि उसके बेटे का नाम क्या होगा, बेन्यामीन। तो बच्चों मैं ना आपसे ये बताना चाहती हूँ कि हमें ना सबसे पहला स्थान प्रभु को देना चाहिए। हम अगर प्रभु को अपना फ्रेंड बनाएंगे, हम उसको उनको अपना गॉड बनाएंगे, तो बच्चों हम भी ना याकूब की तरह, जब हमारा हमारा मन ठीक नहीं है, जब हम सैड है ना, तब भी हम करेक्ट काम कर पाएंगे। जब कोई हमें इरिटेट करता है ना, तो हम उसको उल्टा इरिटेट करने की जगह हम लोग पता क्या करेंगे बच्चों, हम ना उनको और हम जो करेक्ट काम है जो हमें करना चाहिए हम वो करेंगे। ओके ओके, तो बच्चों आपको पता है फिर आगे क्या होता है, फिर वो लोग राहेल को एक जगह पर मिट्टी देते हैं, मतलब वो उसको वहां पर दफनाते हैं। और वो पता है वो जगह क्या है, उस जगह का नाम है एफ्राता। वो और जो एफ्राता जगह है वो कहाँ पड़ता है पता है बच्चों, बेतलहम के मार्ग में। कहाँ पड़ता है? बेतलहम के मार्ग में। अरे अरे आपको बेतलहम नाम सुन के कुछ याद आया? मुझे तो कोई सुना सुना सा लग रहा है ये नाम। यीशु मसीह वहां पैदा हुए थे। कौन पैदा हुए थे? यीशु मसीह। अरे वाह, यीशु मसीह पैदा हुए थे। वेरी गुड एनोश, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे से आंसर्स दे रहे हो। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब लोग आंसर्स दे सकते हो अगर आप आंसर जानते हो तो। तो बच्चों आपको पता है आज आज इसराइल में ये जगह सच में है और इसका नाम है बेतलहम। और तो यहाँ पर बेतलहम के मार्ग में एफ्राता में वो लोग क्या करते हैं, राहेल को मिट्टी देते हैं। जब उसको मिट्टी देते हैं फिर उसके बाद क्या करते हैं याकूब पता है क्या वहां पे क्या करता है, एक खंबा खड़ा करता है। हिंदी में लिखा है खंबा, इंग्लिश में भी लिखा है पिलर, बट जो हम इसकी ओरिजिनल, जो आपको पता है बच्चों बाइबल ना इंग्लिश में नहीं लिखी गई थी, ओल्ड टेस्टमेंट इंग्लिश में नहीं लिखी गई थी, ये एक्चुअली इसका ओरिजिनल लैंग्वेज है हिब्रू। वहां के लोग क्या लैंग्वेज बोलते हैं? हिब्रू बोलते हैं। तो हिब्रू में वहां पे लिखा है मॉन्यूमेंट, मतलब याकूब ने पता है क्या किया, वहां पे एक मॉन्यूमेंट बनाया। अच्छा बच्चों आपको यहाँ पे पिक्चर में क्या दिख रहा है, आपको यह पिक्चर में क्या दिख रहा है? एक ऊंट तो दिख रहा है मेरे को, और कुछ दिख रहा है आपको? एक कुछ बना है ना यहाँ पर, क्या बना है ये? दीदी घर। हाँ एक घर टाइप का बना है ना। हाँ ओके वेरी गुड नाइस शारा। हाँ एक महल टाइप का बनाया। हाँ एक छोटा सा महल टाइप का बनाया ना। तो बच्चों आपको पता है उस जमाने में लोग ना जब किसी को दफनाते थे तो उसके आसपास ऐसा कुछ बनाते थे ताकि उनको याद रहे कि अच्छा ये एक मतलब यहाँ पे किसी को दफनाया गया है। तो जब रेचल मर गई थी, जब राहेल मर गई थी, तो उनको यहाँ पे दफनाया गया और उनको यहाँ पे रख दिया गया। और फिर उसके ऊपर याकूब ने देखो क्या बनाया है, एक मॉन्यूमेंट, इंग्लिश में मॉन्यूमेंट बोलते हैं ना, तो ये हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं एक ऐसा प्लेस जैसा बनाया है वहां उन्होंने वहां पर। फिर उसके बाद बच्चों आपको पता है याकूब क्या करता है कि वो एक जगह होती है एक घूमट मतलब टावर, एक टावर होता है और उसका नाम है अदेर।
अधेर नाम के घूमट वहां उसके आगे, आप जैसे देख सकते हो लोग कहते हैं कि अभी ये अधेर नामक घूमट जो वो ऐसे दिखता होगा, तो यहाँ इसके आगे बढ़कर मतलब इसको क्रॉस करके वो अपना तंबू खड़ा करता है, मतलब वो वहां पे रहने लगता है। तो मतलब इसका मतलब हमें बाइबल ये बताते कि अब वो सेटल हो गए, मतलब अभी वो अपने दुख से दूर हो गए, जो दुख उनको पहले हो रहा था या राहेल के मर जाने से, अब वो उससे सेटल हो गए और उन्होंने अपना तंबू यहाँ पे बना लिया और वो यहाँ पे रहने लगे। तो बच्चों हम लोग आगे देखते हैं कि क्या होता है कि याकूब का सबसे बड़ा बेटा, उसका नाम है रूबेन। क्या नाम है उसका? नाम रूबेन। हाँ, जो वो ना क्या करता है पता है? वही काम करता है जो शकेम ने दीना के साथ किया था। शकेम ने क्या किया था? दीना को तंग किया था ना, है ना, तंग किया था ना। इंग्लिश में लिखा है ही वॉयलेटेड हर, उसके साथ क्या किया? कुकर्म किया। तो ऐसे यहाँ पे यहाँ पे रूबेन पता है बच्चों क्या करता है? अपने 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 जो मतलब राहेल की जो मतलब राहेल की जो सर्वेंट थी, उनकी हैंडमेडन थी, तो उनके साथ कुकर्म करता है। उनका नाम था बिलाम। तो ये और क्या थी? वो कॉन्क्यूबाइन थी याकूब की, मतलब याकूब की एक तरह से पत्नी भी थी। उनके उनसे दो बच्चों को याकूब ने पैदा किया था। तो ये क्या कर रहे हैं? ये एक तरह से जाके गलत काम कर रहे हैं। किसके साथ? किसके साथ? अपने अपने पिता के कॉन्क्यूबाइन के साथ, मतलब अपने पिता की रखेल के साथ, जो इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो इनकी माँ समान थी, पर इन्होंने उसके साथ भी कुकर्म किया। तो बच्चों आपको पता है क्या लगा? उनको पता है क्या लगा कि चलो मैंने किया तो किया, किसी को पता नहीं चलेगा। पर पता है बच्चों क्या हुआ? याकूब को ये बात पता चली। किसको? याकूब को ये बात पता चली और उनको बहुत बुरा लगा। पर पता है याकूब ने कुछ नहीं बोला। पर बच्चों आप ध्यान से सारे लेसन सुनते रहना, कुछ लेसन के बाद फिर जो भी लेसन लेगा ना, तब हम लोग आपको बताएंगे कि बहुत सालों बाद इसका अंजाम क्या होता है। तो बच्चों हम लोग भी ये सोचते हैं ना कि अरे मैं तो गलत कर दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, पर बच्चों ऐसे नहीं होता है। जो भी हम लोग गलत काम करते हैं ना, उसका प्रतिफल हमें जरूर मिलता है। इसलिए बच्चों आप जो भी गलत काम करते हो ना, अब जरूर परमेश्वर से माफी मांगो और बोलो कि प्रभु मैंने बहुत बड़ी गलती की है, अब मुझे सच में माफ कर दीजिए और अब मेरी सहायता कीजिए कि मैं फिर से ऐसे काम नहीं करूं। अच्छा बच्चों, उसके बाद बाइबल हमें बताती है कि अभी पूरे के पूरे पूरे 12 बच्चे हो गए। किसके? याकूब के। और एक लड़की हुई है, उनका नाम है दीना। तो बच्चों मैं आपको नाम बताना चाहती हूँ, दो आप जानते हो बट फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन सबके नाम क्या है। और बताने के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सब लोग इस चार्ट को देख के पढ़ के मुझे बताएं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वेदांशी से। ओके वेदांशी, तो मैं चाहती हूँ कि आप पढ़ो कि लिया के पहले चार बच्चों का नाम क्या है। रूबेन, वेरी गुड। ओके नेक्स्ट अनंत। अनंत बेटा मैं चाहती हूँ आप लिया के अगले तीन बच्चों के नाम पढ़े, अगले दो बच्चों के, सॉरी हाँ अगले दो बच्चों के नाम पढ़े। दीना नपाती। हाँ, दीपा नपताली। नपताली नहीं, नहीं बेटा, ये ना राहेल के जो वो थी ना, राहेल की जो सर्वेंट थी, उनकी दासी थी, उनके बच्चे। मैं आपसे पूछ रही हूँ लेआ के बच्चे, ये जो लेआ है ना, लेआ। yes, दो बच्चे और जो बच्चे इनका नाम बताओ, क्या है इनका नाम? yes, दीदी। हाँ बताओ। इशाकर। इशाकर जुबलेन, जुबलून। जबलून। ओके वेरी गुड वेरी गुड। शारा, लेआ की एक बेटी थी, उनका नाम क्या है? वेरी गुड। अच्छा सैमुअल, अर्पित, लिया की जो सर्वेंट थी, उनकी जो दासी थी, उनके थ्रू याकूब के दो बच्चे हुए, उनके थ्रू याकूब के जो दो बच्चे हुए उनका नाम क्या क्या है? सैमुअल अर्पित आपको बोलना है। सैमुअल दाद और एस्टर। नहीं 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 नहीं, इनो शाप नहीं, सैमुअल को बोलना था। चलो आपने बोल दिया, आपकी बारी, सामिल अर्पित बताएगा। अच्छा सामिल अर्पित आप ये बताओ, राहेल के जो दो बच्चे हैं उनके क्या क्या नाम है? दान और नप,
राहिल राहिल बेटा राहिल 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 यूसुफ और बिन्यामिन। वेरी गुड, तो ये इनके नाम है। और स्तुति है वहां पर, स्तुति हाँ स्तुति, तो आप बताओ कि राहिल की जो दासी थी बिला, उनके बच्चों के क्या नाम थे, उनके दो बच्चे हुए, उनके बच्चों के नाम क्या थे? दीदी दीना नेपाली, दान और नपताली। वेरी गुड, ओके ओके। स्पर्श स्पर्श बेटा आप मुझे। यस दीदी। वेरी गुड, हाय स्पर्श, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ दीदी, आप कैसे हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। अच्छा तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो राहेल है उनके सर्वेंट का नाम क्या है? आप ये स्क्रीन पे देख के पढ़ के मुझे बता सकते हो? राहेल की जो सर्वेंट है उनके ना, उनका नाम क्या है? बिल्हा। वेरी गुड, बिल्हा। अच्छा और मैं आपसे एक और बात पूछना चाहती हूँ कि जो लिया है उनके सर्वेंट का नाम क्या है? जिल्पा। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, आपने बहुत अच्छे से इन सबके नाम पढ़ लिए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप इन सबको याद करो। क्यों पता है बच्चों, ये सारे जो इनके बच्चे हैं ना, ये पूरा मिलके अलग अलग ट्राइब्स बनेंगे आगे। ये क्या बनेंगे? अलग अलग ट्राइब्स बनेंगे। तो बच्चों आपको पता है लास्ट में ऐसे होता है कि याकूब जो है वो एफराता में कौन मर जाता है? कौन मर गया एफराता में? अभी हमने देखा कौन मर गया था? दादी दीदी। कौन मर गया था यार अभी? राहिल। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, आपको तो बहुत अच्छे से याद है। अच्छा तो एफ्राता में आए थे, एफ्राता में कौन मर गई? राहिल मर गए ना। हाँ अब फाइनली वो कहाँ आ जाते हैं? मामरे आ जाते हैं। और उसका नाम क्या कहते हैं हम लोग? हेब्रोन भी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? हेब्रोन भी कहते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है और वहां पर आखिरकार बहुत बुढ़ापे में याकूब अपने पिता को देख पाता है। उसके पिता का नाम क्या था? याकूब और एशाव के पिता का नाम क्या था? इसहाक। वेरी गुड, वैसे वेरी गुड। सो उनका नाम क्या था? इसहाक। तो बहुत मतलब बहुत ओल्ड एज में वो अपने पिता को देख पाते हैं, उनका नाम है इसहाक। और उसके बाद इसहाक को, इसहाक जब 180 इयर्स का था। अच्छा बच्चों आपकी एज क्या है? आपकी एज कितनी होगी? अच्छा मुझे आप अपनी एज मत बताना, आप मुझे ये बताना कि याकूब जब मरा था तो उसकी एज थी 180 इयर्स, सॉरी इसहाक जब मरा था उनकी एज थी 180 इयर्स। तो आप मुझे ये बता सकते हो आपका एज उनसे कितना कम है? मेरा 170 कम है। आपका 170 कम है? मेरे भी 170 कम है। देखो वो आपसे कितने बड़े थे। तो आपके अगले 170 इयर्स तक जिंदा रहोगे? किस किस को लगता है आप अगले 170 इयर्स तक जिंदा रहोगे? नहीं, सैमुएल अर्पित को। वेरी गुड, चलो बेटा आपने आंसर दिया, अच्छा लगा आपने आंसर दिया। ओके तो हाँ तो क्या होता है कि वो 180 इयर्स में मरे। अच्छा बच्चों तो मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि ये अच्छा नहीं, ये डिपेंड नहीं करता है कि मतलब हम लोग कितने सालों तक जी रहे हैं, बट ये मायने रखता है कि हम लोग जो भी जी रहे हैं हम लोग कैसे जी रहे हैं, हम लोग कैसे मतलब लिव कर रहे हैं इस दुनिया में, क्या हम परमेश्वर के लिए जी रहे हैं या यहाँ के कामों में खो गए। अच्छा बच्चों और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि पता है बच्चों याकूब जो था ना, उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो वापस आ पाएगा अपने पिता के पास। क्यों पता है? क्योंकि आपको बच्चों याद है कि जब याकूब गया था अपने घर से, कैसे गया था, क्यों गया था अपने घर से मतलब अपने मम्मी पापा से दूर क्यों गया था? Jacob stole the blessing from Esau. Okay, very good. और वेदांशी? Okay, fine. हाँ,
क्यों? क्योंकि इसने चोरी की थी। इसकी चोरी ने इसको अपने मम्मी पापा से इतना दूर कर लिया कि आपको पता है वो अपने मम्मी को तो नहीं देख पाया और उसने कभी सोचा भी नहीं होगा याकूब ने कि वो अपने पापा को भी देख पाएगा। पर बच्चों परमेश्वर ने ऐसा किया ना कि वो अपने पापा को अपने उनके मौत से पहले देख पाया। तो बच्चों आज हमें लगता होगा कि अरे यार मैंने तो इतना गलत किया है, मैं तो ये कभी नहीं ले सकता, मैं तो वो कभी नहीं ले सकता ना, मुझे मतलब मैं तो कभी अच्छे से पढ़ाई करता ही नहीं हूँ और तो मैं फर्स्ट तो कभी आ ही नहीं सकता, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं हूँ तो मैं तो ये काम तो कर नहीं सकता। या आप ये सोच रहे होंगे कि अरे मैं तो अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, ना ही मैं संडे स्कूल में अच्छा स्टूडेंट हूँ और ना मैं हो भी नहीं सकता। तो बच्चों मैं आपको आज ये बताना चाहती हूँ कि जो परमेश्वर ने याकूब को मतलब अपने पिता के घर फिर वापस मतलब ला के खड़ा किया है, वही परमेश्वर हमारी भी मदद कर सकते हैं। पता है वो हमारी मदद कर सकते हैं कि हम अच्छे से जिए, वो हमारी मदद कर सकते हैं कि हम करेक्ट काम करें। तो बच्चों ये है आपकी मेमोरी वर्स। आई नो कि ये थोड़ी सी बड़ी है बट ये बहुत ब्यूटीफुल मेमोरी वर्स है, पता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब माइक बंद करो और मेरे पीछे पीछे बोलो, ओके? मैं आपकी हेल्प करूंगी इसको याद करने में। तो आपका मेमोरी वर्स है, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए, और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लो, मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। बच्चों ये बता मैं आपको मेमोरी वर्स में क्यों दिया है, क्योंकि ये एक प्रॉमिस है जो परमेश्वर ने याकूब से किया था। पता है कब किया था? जब वो अपने घर से भाग रहा था, जब वो बहुत डर डर के अपने भाई से डर डर के अपने घर से भाग रहा था और परमेश्वर ने उसको ये प्रॉमिस दिया। और बच्चों आज हम लोग देखते हैं कि सच में परमेश्वर ने ये प्रॉमिस पूरा किया। परमेश्वर ने उसे उस जगह पर फिर लौट कर लाए जहां से वो भाग गया था। वेरी गुड बच्चों, आपने बहुत अच्छे से कहानी सुनी है। तो बच्चों हम लोग आ जाओ, हम लोग बहुत जल्दी से वर्कशीट कर लेंगे। ओके बच्चों, मुझे आप दिखा सकते हो क्या अपने नोटबुक्स? आपके नोटबुक्स कहाँ हैं? आपके नोटबुक्स बेटा, अच्छा नहीं है तो आप अभी ला लो, अब जाओ और आप अपना नोटबुक लेके आओ। जल्दी से आप अपने नोटबुक्स और पेन लेके आ जाओ और बेटा मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी और मैं चाहती हूँ कि आप आंसर दो। ओके ओके, तो आप एकदम नहीं चिल्लाना अगर आपको आंसर पता भी है तो, बट आपको करना क्या है कि आप बोलोगे, ठीक है? मैं जिससे आप हाथ उठाओगे और मैं मतलब बोलूंगी, मैं आपसे पूछूंगी कि क्वेश्चन का आंसर क्या है। ओके ओके ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, याकूब ने राहेल के दूसरे बेटे का नाम डैश रखा। ओके वेदांशी, बिन्यामीन। ओके स्तुति बोलो, आप भी बोलो, बिन्यामीन। वेरी गुड। सेकेंड क्वेश्चन, राहेल को डैश में मिट्टी दी गई, एफ्रात में, एफ्राता। वेरी गुड वेरी गुड। और थर्ड है, इसाक डैश बस में मर गया, 180। ओके वेरी गुड वेरी गुड। बच्चों आपने बहुत अच्छे से आंसर किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये थ्री ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से ये अपना वर्कशीट कंप्लीट कर लो। अच्छा बच्चों, जो मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था, तो ये आपका छोटा सा वर्कशीट भी है और आई थिंक ये वर्कशीट बहुत मजेदार भी होने वाला है। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसका आंसर लिख के दो। ओके हाँ, नहीं लिख के नहीं, ड्रॉ करके दो। तो आप कब उदास हो जाते हो, आप कब दुखी हो जाते हो? जब आप एग्जाम्स में फेल हो जाते हो तो आपको ऐसे कुछ पिक्चर बनाना है, आपकी मर्जी। या आपको आपको जो आप चाहते हो कि आपको कुछ मिले, आपको आपके मम्मी पापा कुछ खिलौना खरीद के दे, आपको तब वो नहीं मिलता है,
तब क्या आप तब दुखी हो जाते हो? या जब आपको मम्मी पापा बोलते कि नहीं आपको फोन नहीं लेना है, आपको बहुत वीडियो गेम खेल रहे हो, बहुत यूट्यूब देख रहे हो, ये वो, मैं फोन नहीं दूंगा, या आपको तब बुरा लगता है? आपको कब बुरा लगता है? ओके, तो आप मुझे ये ड्रॉ करके बताओगे। तो बच्चो पहले तो आप ये कंप्लीट करो और मैं आपको टाइम दे रही हूँ अभी, फिर उसके बाद आप इसको, आप वो ड्रॉ करके मुझे बताना कि आपको क्या बुरा लगता है, और अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको कलर भी कर लेना। बच्चों आप लोग लिख रहे हो क्या? अर्पण आप लिख रहे हो? अनंत, स्तुति, सृष्टि, दीदी। ओके, वेरी गुड। स्पर्श बेटा आप लिख रहे हो? ओके बच्चों जल्दी से लिखो, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, सिर्फ 2 मिनट्स है। दीदी वर्कशीट हो गई। वेरी गुड बेटा, आप मेरे नंबर पे प्लीज सेंड कर दो। हाँ, उससे पहले आप ड्रॉ भी कर लेना कि कब आपको बुरा लगता है, कब आपको अच्छा नहीं लगता। वेदांशी आपका हो गया? यस दीदी। वेरी गुड। और बच्चों किस किस का हो गया? आनंद, स्तुति आपका हो गया? यस दीदी। वेरी गुड। अर्पण, स्पर्श? हाँ दीदी हो गया। ओके वेरी गुड बेटा। दीदी मैंने सेंड भी कर दिया। अच्छा तो मैं अभी देख लेती हूँ। ओके थैंक यू अनंत। अच्छा बच्चों, आज हमारी ये जो क्लास है इसको फिनिश करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बच्चों आपने आज क्या सीखा? क्या आप में से कोई मुझे बता सकते हैं कि हमने क्या सीखा आज, इससे पहले कि हम लोग अपना क्लास फिनिश करें? ओके बच्चों, तो फिर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ स्पर्श से। स्पर्श आप हमारी इस क्लास के लिए छोटी सी प्रेयर कर दो। स्पर्श
अच्छा सैमुअल अर्पित आप कर दो। चलो ठीक है अनंत आप कर दो, छोटी सी प्रेयर कर दो। यस दीदी। हे पिता, मैं भी आपके सुंदर चरण में आता हूँ। आपने अच्छा समाज का प्रभु जी के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारी दीदी की भी सहायता करी, आपने हमारे गाने गाने में भी सहायता करी, आपने इस हमें संडे स्कूल की कनेक्टिविटी भी सही से बना के रखी और आपने हमारी बहुत सहायता करी। आप हमें अगले संडे जुड़वाने में भी सहायता मदद करी। प्रभु से छोटी छोटे से धन्यवाद मैं भी आपके सुंदर चरण में चढ़ाता हूँ। सुन के ग्रहण करें, आमीन। ओके बच्चों, सबको जय मसीह की।